भैया तीखी ततैया काटे सारी रतिया आवे न निंदिया लट्टू के भैया पेन फटी धोतिया रेत की हैं चोटिया भाभी जी don't go further that's it भाभी जी आज बहुत चहक रही हैं आप। अच्छा हा? हमको देखकर ऐसा लग रहा है क्या? बिल्कुल ऐसा लग रहा है। ये ओड़ी ओड़ी रंगत, ये बिखरे बिखरे बाल, तेरी सुबह कह रही है बीती रात का फसाना। आका बोले मैंने कहा भाभी जी रात को कुछ हुआ था क्या? हाय दिया आपको कैसे पता? पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने ना जाने गुल ही ना जाने बाग तो सारा जाने है। बाग? ये आप अचानक से बाग में काहे पहुंच गए अमिया तोड़ने? हमारी किस्मत में अंबिया कहाँ भाभी जी, यहाँ तो गुंडियों से काम चल रहा है। आका बोले ना भाभी जी आप जिक्र कर रही थी कल रात को क्या हुआ था, बताइए व्हाट हैपेंड लास्ट नाइट। कहाँ बताएं आपको सच्ची, कल तो लड्डू के भैया ना धुआं काट दिए, रोमांस के सारे सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। कुछ टूटे रिकॉर्ड हमने भी देखे थे। नहीं नहीं वो रिकॉर्ड ना ही टूटा था, उका है ना कि अब पर्दा अब हट गया था, उका है ना कि लड्डू के भैया जैसे ही हमको पकड़ने के लिए आए रहे वो हम झट से पलंग पर चढ़ गए, और उके बाद ना जब हम पलंग से कूदे तो हम पर्दे से फंस गए, और उके बाद हम लद्दे से वहाँ गिर गए, और उके बाद बस I don't need to know more gory details. मुझे और बताने की जरूरत नहीं है, मुझे यकीन है कि इसके बाद टोक्यो शहर में आग लग गई होगी। दिया, टोक्यो में आग कब लगा? It's not ta, it's ta. आराम से आराम से बैठिए 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 आके बैठिए 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 कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा होगा, बैठिए 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 हाँ बैठ जाइए बैठ जाइए। आराम से भाई आराम से आराम से गार्डन में बैठ रहे हैं आप, आराम से आराम से। चलिए अब हम लोग जलपान करेंगे। अलावा स्लाइस ऑफ पिज़्ज़ा एंड अ कैपेचिनो। अबे एक एक समोसा खाएंगे और एक गिलास पानी पियेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे समझे भाई साहब। सिर्फ एक ही समोसा खाने को मिलेगा? भाई साहब ज्यादा समोसा खाने के बाद इस पहाड़ की चढ़ाई नहीं चढ़ पाएंगे आप, क्योंकि पेट भरने के बाद चढ़ाई करना तो दूर की बात है, आदमी को पैदल चलने में प्रॉब्लम होती है। चलवा समोसे 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 समोसे। लगता हम लोग किसी स्टेशन पे पहुंच गए। अरे भाई साहब स्टेशन में नहीं आए, ये पहले स्टेशन में बेचता था। अच्छा 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 भूख लग रही है मुझे। चलो भाई कलुआ सबको एक एक समोसा दे दो और हमें भी एक खिला दो। आलो जी लो। समोसे वाले भाई साहब आपके पास कुछ तीखी चटनी टाइप की कुछ चीज है क्या? मैं चाहता हूँ कि आप जो मुझे समोसा दें उसमें ऐसी तीखी चटनी डालें कि मेरा मुंह जल जाए। एक काम कर तू ये पकड़ पहले और खोलते हुए तेल की कढ़ाई में बैठ के समोसे खा ले। खोलते हुए तेल की कढ़ाई में बैठ के आई लाइक इट। और भाई कलुआ कितना हुआ? एक समोसे के 1000 रुपए। टोटल 4 समोसे 4000 रुपए हो गए। देखो भाई पेमेंट भक्तगण ही करेंगे। अरे भाई सुनो तुमने लूट मचा रखी है क्या यार, एक समोसा 1000 रुपए का? समोसे में क्या तुम सोने का आलू डालते हो क्या, इतना महंगा बेच रहे हो? मैं इतनी ऊंचाई में समोसा बेच रहा हूँ, जहाँ तुम अभी बैठे हो ना वो 10 किलोमीटर की ऊंचाई है, ढूंढ के दिखा दो कहीं अगर तुम्हें समोसे मिल जाए तो। और इतने ऊपर इतने ऊंचाई में मैं समोसे बेच रहा हूँ तो एक्स्ट्रा पैसे तो लगाऊंगा ना। और अगर हम पैसे ना दे तो? हाँ तो धक्का दे दूंगा। हमारी भी पेमेंट कर दो। हाँ अच्छा देखिए ये देखिए कितने 2000 है ना, देखिए है ना 2000, गिने गिने तो सही 2000 है। हाँ बस मैं ये 2000 मतलब 1000 अपना और 1000 आपका देने को तैयार हूँ। हाँ? हाँ। लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है पिट्ठू भैया? कि आप मुझे पहाड़ी की चोटी पर ले जाएंगे, उसके बाद उस साइड को ढूंढेंगे जहाँ पे सबसे ज्यादा गहरी खाई होगी और उसी खाई में आप मुझे धक्का देंगे। कैसे अजीब आदमी हो यार तुम, तुम इसे पैसा दो
मैं तुम्हें धक्का दूंगा। आई लाइक इट, लो दे दो। निकले भाई चले। अरे खा लो पहले। महाशय पता नहीं कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने आपकी आवाज सुनी है, बल्कि रोज सुनता हूँ आपकी आवाज। भाई माफ कीजिएगा, हमारा तो ऐसा के प्रोग्राम रेडियो पर भी नहीं आता। नहीं माफ कीजिएगा, हमारे मोहल्ले में एक आपकी आवाज वाला आदमी रहता है, बड़ा लीचड़, बड़ा दो कौड़ी का आदमी है एकदम। नहीं वो आपका भी जाते नहीं है ना इसलिए। अरे लेकिन तुझे पता है ना मेरे दोस्त कितनी दूर दूर है, अलग अलग कंट्रीज में, कोई अमेरिका, कोई ब्राजील, कोई दुबई, कोई बैंकॉक। तो आपने सारे दोस्त इतने दूर दूर क्यों बनाए? कानपुर में कोई दोस्त नहीं बना क्या आपका? कानपुर में भी है मेरे दोस्त। तो आप उनके यहाँ चले जाइए ना। तो क्या तू बहू मुझे इस घर से निकालना चाहती है? देख वो जो 20 करोड़ की प्रॉपर्टी है ना, उसकी वसीयत मतलब सॉर्टेड हो जाएगा वो सब, कुछ ही दिन की बात है। कुछ दिन करते करते ये 8 साल बीत गए। क्या कहा तूने? कुछ नहीं चाचा जी। अरे नहीं नहीं ये रीजन नहीं है, एक्चुअली मुझे विभू के साथ आज थोड़ी प्राइवेसी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ ठीक है भाई, हम तो कबाब में हड्डी है। हड्डी नहीं हड्डा है। ठीक है मैं जाता हूँ बहू। थैंक यू। जाता हूँ। रामकली कैसी हो? हम ठीक है। अरे बहुरिया के भीड़ काल। अरे ये बहुरिया फोन में इंग्लिश मैडम कौन है? लेकिन इनका शकल तो बहुरिया जैसा ही दिख रहा है। हाय दी अम्मा जी, आप भी धोखा खा गई ना, ये हमें ही है आपकी बहुरिया। का? ये तुम हो? ऐसे ही पकड़े हैं हमें ही अम्मा जी। अरे बहुरिया तुम तो बहुत क्विट लग रही हो, एकदम लंदन रिटर्न। अथांकु अम्मा जी, ये सारा खेला ना अनीता जी की है, वही हमको ये रूप दी हैं। अच्छा ये तो गोरी बिटिया बहुत अच्छा काम की है, कभी कभी बदलाव बहुत जरूरी होता है बहुरिया, होना चाहिए। हाँ अम्मा जी, हमको भी कछु ऐसा ही महसूस हो रहा है। देखो बिटिया, जिंदगी में बदलाव होना बहुत जरूरी है, हैं? अब हमेशा आदमी बिरयानी खाता रहेगा तब बोर ना हो जाएगा बिरयानी से, इसलिए कभी कभी यखनी पुलाव भी खाना चाहिए, समझिए। लेकिन अम्मा जी अभी हमको ना ही पता कि लड्डू के भैया ई यखनी पुलाव खाएंगे कि नहीं। अरे वो बैल तो घास खाने वाला बैल है, अगर पुलाव नहीं खाएगा तो उसके मुंह में ठूस देना। हाँ ठीक बा। अब सुनो। हाँ। वो बैल का ज्यादा खुशामत करने की जरूरत नहीं है, जरूरत खाली तुमरा नहीं है, उका भी है, समझी ना? ठीक बा अम्मा जी, हम समझ गए, अपनाम कर रहे हैं। हाँ खुश रहो। बाय बाय। बताओ रात के 11 बज गए और इस आदमी का कोई अता पता ही नहीं है, पता नहीं कहाँ मटर गश्ती कर रहा है। सारे के सारे दोस्तों को फोन कर दिया, सब गोलमोल जवाब दे रहे हैं। अरे चाचा जी भी पता नहीं कहाँ दावत उड़ा रहे हैं। किसी को कोई फिक्र ही नहीं है। अनु बेबी आई एम होम। जाओ मुझसे बात ही मत करो, सीधे जाओ बेडरूम में जाकर सो जाओ। अरे अपनी बीवी के बगैर कैसे सो जाएंगे बेडरूम में? बीवी की ना तुम्हें कोई फिक्र ही नहीं है। किसने कहा तुमसे कि बीवी की फिक्र नहीं है? हमें अपनी बीवी की बहुत फिक्र है। ये ना कई बार मुझे लगता है कि ऊपर वाले ने मुझे जो है इस दुनिया में स्पेशली तुम्हारे लिए बनाया है। I'm customized for you। तुम ना एक नंबर के झूठे हो। मैं भी झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। मेरे दिल की दीवारों पर सिर्फ तुम्हारा नाम लिखा हुआ है। मेरा दिल चीर के देखोगे ना तो उसमें दिखेगा तुम्हें अन्नो 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 अन्नो, और नीचे मेरे हस्ताक्षर होंगे जिस बात का गवाह है। क्या बाबूजी सब ठीक ठीक तो है ना? ये आपका थोड़ा खीर में काले थड़ा हुआ है। बड़ी अजीब और गरीब किस्म की घटना घटी मेरे साथ तिवारी जी। अच्छा क्या 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 घटना घटी?
एक्चुअली अनु ने बड़े प्यार से खीर बनाई मेरे लिए और कटोरे में खीर लेके आ रही थी, मेरी तरफ बढ़ रही थी, मैं उसका इंतजार कर रहा था। और जैसे मैंने मुंह खोला तो मुंह में डालने की बजाय उसने मेरे मुंह पे डाल दी और लथेड़ दी पूरे मुंह पे। ओहो, या मतलब सारी खीर मुंह पे लथेड़ दी। आप भी कोई बदतमीजी तो नहीं की? नो बदतमीजी, मैं तो बहुत ही बल्कि बड़ा एक्साइटेड था कि मैं खीर खाने जा रहा हूँ, मैंने मुंह खोला और मुंह की जगह खीर मुंह पे आ गई। दिस इज रियली रिडिकुलस। का मतलब है कि नथेश्वर बाबा की बबूत ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। कुछ कहा आपने? नहीं कुछ नहीं हुआ। एक मिनट तिवारी जी, एक मिनट, ये आपका मुंह इतना लाल कैसे हो रहा है? बंदर क्या मतलब, लगता किसी ने बहुत बेदर्दी से, बेरहमी से, बेतरतीब होके मारा है आपको। नहीं, वो दरअसल हमारे साथ भी कुछ हादसा हुआ। That's good. मैं मतलब क्या क्या हादसा हुआ आपके साथ? ओ, अंगूरी ने हमारे गालों पर एक साथ कई जड़ दिए। अभिषेक ने आपको चमाट मारी, मतलब थप्पड़ मारा, मतलब कंटाप दिया, मतलब कई भन्नाटेदार आपके कान के नीचे। अरे यार, एक ही बात है ना कि तफरी ले रहे हैं क्या? विभो, तुमने मुझे माफ नहीं किया क्या अभी तक? तुमने माफी मांगी भी तो नहीं अभी तक। ओके, आई एम सॉरी, कल रात मुझसे गलती हो गई एंड आई एम रियली रियली सॉरी। नहीं, मैं माफ नहीं करूंगा। अबे तुमने इतनी गरम गरम खीर मेरे चेहरे पे फेंक दी, मेरे हैंडसम फेस पे। इट्स अ क्राइम, यू नो दैट? मतलब सारे चावल तो नीचे गिर गए लेकिन वो कुछ ड्राई फ्रूट्स के दाने मेरे चेहरे पे चिपके रहे। व्हाट इज दिस यार? सीरियसली, चेहरा लाल हो गया मैन, पूरा चेहरा लाल हो गया। क्या बात कर रहे हो, लाल हो गया है? हाँ, दिखाओ दिखाओ मुझे चेहरा, दिखाओ। भाग 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 टीका भाग। टी वाले भैया, आपने उन दो आवारा लड़कों को देखा है? अरे वो टीका टिल्लू को। हेलो, तुम लोग पागल हो गए हो क्या दोनों? हाँ, हम दोनों पागल हो गए रूसा। हम दोनों से बहुत बड़ी गलती हो गई है रूसा। तुम्हारो प्यार फिर मतलब है तुम्हारी दोस्ती पावे के लिए हमने काले जादू को सहारो लियो रे। कसम पैदा करने वाले कि हम तुम पे जादू ना कर रहे थे, हम दोनों तो एक दूसरे पे जादू करना चाह रहे थे। लेकिन हम सब कुछ बर्बाद है गो, सब कुछ खत्म है गो रे। गाइस, एक काला गोरा ये जादू वादू कुछ नहीं होता है। मैं इन बातों में बिल्कुल विश्वास नहीं करती हूँ और ये सब मनगढ़ंत कहानियां होती हैं। हाँ, वैसे बाय द वे वो सब छोड़ो, ये अपना चेहरा क्यों ढका हुआ है दोनों ने? जरा हटाओ, चेहरा दिखाओ। ठीक है, रोसा अंधविश्वासी ना है, बच गए। अगर तुम कहती हो तो फिर ठीक है, हम आते हैं तुम्हारे सामने। आओ टीका। लड्डू के भैया, हम कान पकड़ कर आपसे माफी मांगते, हमसे बहुत बहुत बड़ा गलती हो गया, घोर पाप हो गया। गलती नहीं हुई है,
तुमने जानबूझकर किया है ये? नहीं नहीं, जानबूझकर नहीं किए हम। पता नहीं हमको आपका चेहरा देखकर क्या हो गया था, बहुत ही डेस्परेट फील बा हुआ हमको। डेस्परेट होता तो ऐसे जड़ नहीं देती। तुम शायद इरिटेट कहना चाह रही हो। ऐसे ही पकड़े हैं। सच्ची आपका चेहरा देखकर ना हमको ऐसे सूझा कि दनादन धर दे आपके गालों पर। क्यों, हमारा चेहरा कोई दैत्य दानव का चेहरा है जो हमारे चेहरे को देखकर ही सब सूझा? ऐसे ही पकड़े हैं। सही नहीं, गलत पकड़े हैं। एक बात बताओ, तुमने अम्मा को फोन करके बताया कि तुमने अपने पति परमेश्वर के गाल पे थप्पड़ मारा? नहीं, अम्मा जी को ना ही बताए हम। नहीं बोले तो फोन करके बोलो कि तुमने एक पत्नी की सारी मर्यादाएं तोड़कर अपने पति परमेश्वर के गाल पर झन्नाटेदार थप्पड़ मारा है। नहीं, हम अम्मा जी को कछु नहीं बता सकते, वो बहुत हॉट हो जाएंगी। हॉट तो इस समय हमारा गाल हो रखा है तुम्हें थप्पड़ खाने के बाद। तुम शायद हर्ट करना चाह रही हो। ऐसे ही पकड़े हैं। देखिए लड्डू की भैया, आप हमको मारिए, दुत्कारिए, भला बुरा बोलिए, लेकिन बस बाहर आ जाइए, कहे कि हम आपके चरण छूकर आपसे माफी मांगना चाहते हैं। हम बाहर नहीं आएंगे। देखिए हम नहीं आएंगे तो हम बाथरूम के दरवाजे पर सर पटक पटक के अपना सर फोड़ देंगे। ओ लड्डू की भैया, हर काम मुसीबत से सर। क्या 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 कर रही हो पगली? क्या क्या हुआ? कच्चा बनियान, हम तोरा कौन कर देंगे? वो एकदम ऋतिक रोशन लगते हैं। हाँ आओ, लेकिन मेरा विभू तो एकदम सलमान खान लगता है। आओ का लुब्रिकेट। आप डुप्लीकेट कहना चाह रही हैं? ऐसे ही पकड़े हैं, सलमान खान का। चलो चाहे जो भी हो, उका है ना कि आपके पति आपको प्यारे हैं, हमरे पति हमको बहुत प्यारे हैं, लेकिन ये नफरत कहाँ से आ गया ये हमको समझ नहीं आ रहा है। सच में मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है अंगूरी जी। अरे भाई, देख भाव, अगर कुछ समझ में ना आए ना तो खाने पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। अभी जो मैं लाया हूँ ना वो खा तू। क्या लाए हैं आप चाचा जी? अरे घंटे वाले चौक पे जो हलवाई है ना, वहाँ से लाया हूँ गर्मा गर्म छोले भटूरे। ओह गॉड, थैंक यू। बहुत दिन हो गए थे छोले भटूरे खाए हुए। अब एक काम कीजिए अंगूरी जी, आप अपने घर से ना कुछ प्लेट्स और चम्मच लेते आइए, आपके लॉन में ही बैठ के खा लेते हैं, वेदर भी काफी अच्छा है। ठीक बा, अब ही लाते हैं। आइए चाचा जी। बा चाचा जी बा, ये ना बहुत ही मम्मी छोले हैं। तो बिल्कुल सही कह रही है बहू, मेरी मम्मी बहुत ही टेस्टी छोले भटूरे बनाया करते थे। अरे चाचा जी वो यमी कहना चाह रही हैं। अच्छा, ऐसा ही पकड़े हैं। सच्ची बहुत ही अच्छे छोले भटूरे लेकर आए आप। वाकई में चाचा जी इतने अच्छे हैं ना कि मन तो कर रहा है कि सारा का सारा मैं ही खा जाऊं। अरे अरे बहू, ऐसी गलती मत करना, तू है ही इतनी पतली दुबली, इतने सारे छोले भटूरे कहाँ रखेगी? नहीं चाचा जी, कछु मत कहिए, हमको तो बस ही छोले भटूरे खाने दीजिए। हाँ थैंक यू। वेलकम चाचा जी। और पता है इतने अच्छे छोले भटूरे खा के ना हमारा हमारे पतियों के लिए जो गुस्सा था ना वो थोड़ा बहुत कम हो गया है। सच्ची ये छोले भटूरे खाने के पहले ना हमको लड्डू के भैया के लिए बहुत ही अफसोस और चिंता हो रहा था, लेकिन अभी खाने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे हम उनको भूल ही गए हैं, हमको केवल छोले भटूरे ही याद है और कुछ नहीं। तिवारी जी,
हम दोनों साथ में हैं। साथ में का तो साथ में ही लतिया दिए जाएंगे। क्या, 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 क्या करें फिर? क्या कर रहे? देख के नहीं थूक सकते थे क्या? अबे देख के ही कर रहा हूँ। अगर देख के नहीं करता तो खचेड़ू पे करता ना, तुझ पे क्यों करता? देखो तुम आगे मत रखो, यहाँ मत देखना, मेरी शक्ल मत देखना, मेरी शक्ल मत देखना। हाँ हाँ पगली, तुम हमारी भी हमारी शक्ल मत देखना। लड्डू के भैया, एक्चुअली हम दोनों कुछ कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हो? वो हम दोनों अपना गुनाह स्वीकार करना चाहते हैं। हम दोनों कन्फेशन करना चाहते हैं। अरे कन्फेशन का क्या मतलब है? इसका मतलब तुम लोगों ने कोई बैंड बजाई है? टीटेस में दौड़िए आप, बता तो रहे हैं। ठीक है, पहले हम बताते हैं। अंगूरी तुम अपनी आंखें बंद करो पगली। ठीक बा, कर लिए। पगली क्या है ना कि ये जो कुछ भी हुआ ना इसकी वजह ये बबूती जी हैं। अनु बेबी तुम अपनी आंखें बंद करो। भाभी जी आप आंखें खोल सकती हैं। ठीक बा। भाभी जी इस जुर्म में जितना लिप्त मैं हूं ना उतने ये भी लिप्त हैं। हम दोनों लिपटे हुए हैं इस जुर्म में। तो फिर भी मिल लेते हैं ना। दोनों भाभियों ने बेहोश होने के पहले आप दोनों के लिए एक मैसेज छोड़ा था। अबे क्या 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 मैसेज बताइए। दोनों भाभियों ने कहा था हमारे बेहोश होने के बाद अगर हमारे कमीने पति हमारे आसपास भी पटके तो हम उनका मुंह तोड़ देंगे। बात बताइए भैया, ऐसा क्या कांड किया था आप लोगों ने? क्या कांड किया था बताइए बताइए। अरे हमसे क्या शर्मा रहे हैं? वहां को क्या मार रहे हैं? हमने किसी औरत वरत को नहीं छेड़ा। मैं छेड़ने की बात ही नहीं कर रहा हूँ, कहीं किसी छमिया के घर आना जाना तो। डॉक्टर डॉक्टर हो डॉक्टर रहो समझे ना। हमारे बहाने अपना ये अय्याश आदमी बाहर मत निकालो समझे। तोड़ देंगे। अय्याश आदमी बाहर निकल गया ना तो खुद ही छमिया के पास पहुंच जाएंगे आप। तिवारी जी चलिए, मैं क्या बोलता हूँ जरा आप देख लेते हैं अपनी दीदियों को, वे तो वैसे भी होश होंगी। चलिए आइए। बेबी आई एम सॉरी, ये जो कुछ भी हुआ ना मेरी वजह से हुआ। आई एम रियली सॉरी। तुम सोते हुए कितनी अच्छी लग रही हो, ऐसा लग रहा है जैसे सुनामी ठहरा हुआ है। जस्ट ट्राइंग टू बी फनी। आई एम रियली सॉरी। तुमसे बात करूं। माफ कीजिएगा, वो आपको कंपनी देने आए थे। वो कंपनी किस लिए? वो भभूति जी ने कहा कि आपको शायद अच्छा नहीं लग रहा होगा तो हम आपको थोड़ा कंपनी दे दें तो कॉफी लाए थे। वैसे आपकी अगर नृत्य देखने की इच्छा है तो वो भी हम करके दिखाने के लिए तैयार है भाभी जी। थोड़ा पहले खुद आपने सारा का सारा खेल बिगाड़ा और अभी कंपनी देने आए हैं आप। भाभी जी देखिए इसमें हम सारा दोष हमारा ही तो नहीं है, भभूति जी का भी तो। लेकिन मेरा और अंगूरी जी का क्या दोष है? हम लोग तो नफरत की आग में जल रहे हैं ना। भाभी जी हमें इस बात का अफसोस है, हमें भी अजीब सा लग रहा है। हाँ हाँ यार राइट, आदमी पहले गलती करता है और फिर उसे अजीब सा लगने लगता है, यही तो संसार का नियम है। ऐसी बात नहीं है भाभी जी, हमें बेहद अफसोस है। अब देखे ना इस बात की सजा भी तो हमें मिली है। अंगूरी भी हमसे नफरत कर रही है। तिवारी जी अगर आप नफरत बोएंगे ना तो नफरत ही काटेंगे, कोई गेहूं नहीं काटेंगे। और मेरे हिसाब से ना आपको और विभू को ऊपर वाले ने एकदम माकूल सजा दी है। हम आपके लिए सूप लेके आते हैं विद एक्स्ट्रा पेपर। या बेबी भाभी जी Thank you.
दीजिए, कछु कीजिए। भाभी जी करना तो बहुत कुछ आता हूँ लेकिन लेकिन मजबूर हूँ। अक्का बोले। मैंने कहा भाभी जी आप चाहती हैं कि मैं अपना ये अंदर आके आपकी हेल्प करूं? आप कैसे बॉर्डम आदमी हैं, इतना देर से आपसे मदद के लिए बोल रहे हैं और आप है कि कुछ कर ही नहीं रहे, इतना भाव खा रहे हैं। भाभी जी कहाँ भाव खा रहा, मेरा तो भाव ही नहीं मार्केट में। तो जल्दी से अंदर आके हमरा हेल्प कीजिए ना। ये लड्डू के भैया विल गो टू हेल्प। आप हेल्प कहना चाह रही हैं? हेल्प ऐसे ही पकड़े हैं। जल्दी कीजिए कछु हमारा पैर। ओह गॉड ये क्या करूं, ये मेरे इम्तिहान की घड़ी है। मैं भाभी जी को पहली बार ऐसे देखूंगा जैसे मैंने पहले कभी नहीं देखा था। मैं काम करता हूँ, अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ। ओके दैट्स अ गुड आइडिया। भाभी जी आई एम कमिंग। भाभी जी आई एम कमिंग। हमरी बहुरिया बाथरूम के बाहर थुका कर रहा है। मैं भाभी जी की हेल्प कर रहा हूँ, अंदर गिर गई है वो। अब हम आ गए हैं, तुम्हारा कोई जरूरत नहीं है, चलो फुटाओ। नहीं भाभी जी ने मुझे बुलाया था कि उन्होंने कहा था कि उन्हें हेल्प की जरूरत है, मैं इसलिए अंदर जा रहा था। फुटाओ। यू आर सो रूड। मुझे लगता है कि You should die soon. ठीक है, बाद में करना तारीफ। जाओ। Auntie, you should go to hell. जाओ। You must go to hell, Auntie. Just once and for all. Otherwise, I'll push you into. जाओ। बुलाइए ना चचा जी को, वो तो घर में पंचायत करने बैठ गए। सिचुएशन देख रहे होंगे, जायजा ले रहे होंगे हालात का। क्या बात कर रहे हैं आप? सिचुएशन गई घुइया के खेत में, या हमारी सिचुएशन की बैंड बजी पड़ी है। इसमें उनका क्या कसूर है? मतलब आपके बढ़कर चार्ज पे, पर कि वो तो हमारी शादी बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जस्ट अनरीजनेबल आदमी है आप बहुत यार। अपनी बचा ली क्या उन्होंने? बेसिकली मेरे चार्ज जो है ना वो लूजर है। हाय चार्ज, व्हाट इज द सिचुएशन? सिचुएशन क्या है वहां की? सिचुएशन ये है कि दोनों बहुओं को बहुत ज्यादा पश्चाताप है इस बात का कि उन्होंने तुम दोनों को पीटा है, और वो तुम दोनों से माफी मांगना चाह रही है। भाई हम नहीं मानते, आप झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोल रहे हैं तो जा गुनिया के खेत में। अभी तक कहियां क्यों है तिवारी जी? जब चाच कह रहे हैं कि वो माफी मांगना चाहती हैं और उन्हें इस बात का एहसास है कि उन्होंने गलती करी है, फिर क्या प्रॉब्लम है आपको? अच्छा अगर आपको चचा जी की बात में इतना विश्वास है ना तो पहले आप चले जाइए, हम बाद में आएंगे। ठीक है मैं जाऊंगा, बिकॉज आई ट्रस्ट माई चार्ज। मैं जाऊंगा, आई विल गो, आई विल गो। भगवान तेरी रक्षा करे। आपने ऐसा क्यों बोला? मुंह से निकल गया, मैं तो ये कहना चाह रहा था कि भगवान तेरा भला करे। Yo, 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 people in the house, yo, lovers in the house, tell me, yo, Vyatha, Prem Baba is here. Kya kasht hai lovers, tell me in my ear. नफरत वाला बाबा तुम दोनों को नफरत का वरदान दे दिया है। अजी वरदान कहाँ, हमारे लिए तो अभिशाप है। हमारी बीबी हमसे इतनी नफरत करती है, इतनी नफरत तो इज़राइल भी नहीं करता होगा फिलिस्तीन से। यो पीपल, यो लवर्स, अगर पेड़ बबूल कबोए, अगर पेड़ बबूल कबोए, फिर आम कहाँ से होए? और बोलो बोलो आम कहाँ से होए? आप सही कह रहे हैं बाबा, हमने दूसरों के लिए बबूल के पेड़ बोए हैं तो हमारे तो कांटे ही मिलेंगे ना। या नहीं 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 नहीं, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है।
योर लवर्स अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, प्रायश्चित कर लो। कैसे प्रायश्चित करें? अब देखो वो जो सामने घंटा लटका है ना, दोनों यहां से उठो, वहां जाओ और वो घंटा से जो है अपना कपार फुड़वाओ, और उसके बाद एक ही चीज बोलना है, लव इज इन द एयर।